सिर्फ 5 मिनट लूंगा। मेरी जमी मुझे एड़िया रगड़ने दे, मेरी जमी मुझे एड़िया रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। अभी कुछ समय पहले मौलाना साहब ने कहा था कि जाएंगे तो सभी जाएंगे, लेकिन मौलाना साहब मैं आपको एक कहना चाहता हूँ, एक जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि अपने को किधर जाने की जरूरत नहीं, अब संगी चड्डी वालों को भागने की जरूरत है। बाबा साहब ने एक किताब में लिखे वाला है कि इन मुस्लिमों के इतने बड़े उपकार है मुझ पे कि मैं कभी फेर नहीं सकता, और जब जब मुस्लिमों पे अत्याचार अन्याय होगा तो सबसे पहले तुम आगे चले जाना। आज ही के दिन 30 जनवरी को गोडसे ने गांधी का कत्ल किया था, और आज ही के दिन जामिया में जब कानूनन संवैधानिक प्रोटेस्ट हो रहा था तो उन बच्चों पे एक राम भक्त गोपाल ने गोली चलाई, और इस गोली के पीछे किसकी मंशा है आप सभी को पता है। तो मैं इस बात पे कहना चाहता हूँ, अगर दंगाइयों पे तेरा बस नहीं चलता तो सुन ले हुक्मरा, हम तुम्हें नामर्द कहते हैं। अभी रही बात सीए एनआरसी, बाबा साहब ने जब संविधान लिखा उस संविधान में आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 भी है, जिसे हम फंडामेंटल राइट मूलभूत अधिकार कहते हैं। आर्टिकल 14 में लिखे वाला है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अगर तुम हिंदुओं को, तुम ईसाइयों को, बौद्ध जैन को अगर तुम प्रोटेक्शन देते होंगे तो तुम्हारा भी फर्ज है कि मुसलमानों को भी तुम्हारा प्रोटेक्शन, तुम्हारा हक है। तुम किसी जात धर्म पात से तुम किसी को बेदखल नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 में लिखे वाला है कि सरकार किसी मजहब, जात, धर्म, लिंग, पंथ को देख के भेदभाव नहीं कर सकती है। अमित शाह ने कल परसों कहा था 8 दिन पहले कि मैं चैलेंज करता हूँ ममता बनर्जी, मायावती, राहुल गांधी, अखिलेश यादव कि NMCA NRC पे डिबेट कर दूंगा, तो अमित शाह को मेरा चैलेंज है, अगर तेरे में हिम्मत है तो टाइम डेट बता दे, मेरे साथ 1-2 हाथ CA NRC और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में करके दिखाएंगे। और रही बात CA NRC की, मैं आप सभी से, मुस्लिम भाइयों से एक गुजारिश करता हूँ, जिम्मेदारी से कानूनन बात करता हूँ कि जो बाबा साहब ने लिखे वाला कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 368 है, उसमें लिखा गया है कि अगर गवर्नमेंट को अगर उसमें कुछ इम्प्लीमेंट करना है, कुछ कलम लागू करना है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में लाके सर्च करके उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल कलम है, जो बाबा साहब ने लिखे वाली कलम है वो नहीं हटा सकते, और इसलिए CA NRC कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई है, उस पर अभी हेयरिंग होने वाली है, और किसी को डरने की जरूरत नहीं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये CA NRC बाबा साहब के कानून के सामने कुछ भी नहीं है, और ये मोदी अमित शाह का जो काला कानून है जल्दी रद्द होने जाने वाला। इससे बात करते हुए आपकी गुजारिश ये लेता हूँ, नमस्कार।